नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात होगी शिक्षक बहाली की, अभी बात होगी बिहार में जो बीपीएससी द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा जो धांधली हुआ है उस मामले में आगे क्या होगा, और सारी चीज़ों पर आपको हम बता दें कि कल हम शिक्षा विभाग गए थे और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो हैं उनसे मुलाकात करने का प्रयास किए थे। और बहुत बड़ी बात थी कि कल ही जो है ACS KK पाठक साहब, जो पहले आपको पता होगा कि पहले अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग में थे और जिनके कारनामों से शिक्षा विभाग ही नहीं, शिक्षक, अभ्यर्थी, उनके गार्जियन, बच्चे, सारा विभाग ही नहीं, पूरा बिहार की जो व्यवस्था थी वो परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि उन्हें मुख्यमंत्री की बातों का अवहेलना। तो बात आप समझ लीजिए ना भाई कि कोई भी अधिकारी या अफसर जो है ना मुख्यमंत्री से ऊँचा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। तो उनकी विदाई हो गई, अंतोगत्वा उनकी विदाई हो गई। परंतु जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जो कवायद है वो शिक्षकों पर निर्भर है, व्यवस्था पर निर्भर है। सरकार अमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास करती है जिसमें शिक्षकों की भूमिका अहम है। एक बात सही है कि KK पाठक ने काफ़ी सख्त रवैया अपनाया था। अब शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल आने लगे। बच्चे समय पर स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल आने लगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे थी जिसको लेकर विरोध हुआ, और विरोध ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री के सदन पर दिए गए पटल के बतन पर ही उसके बाद वो जो है उनको अपने पद से छोड़ना पड़ा। अभी बातें हैं कि 17 तारीख के बाद यानी बकरीद की छुट्टी है, उसके बाद अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन जो होगा, जिस ज्ञापन में बस पूरी बात का जिक्र है, आवेदन तैयार हो चुका है कि RTI से जो खुलासा हुआ है महिलाओं के आरक्षण को लेकर। दूसरी प्रमुख बात कि जो फर्जीवाड़ा चल रहा है और फर्जीवाड़ा का जो डाटा है, कोई ज़िला बाकी नहीं है जहाँ सब फर्जीवाड़ा का लिस्ट नहीं निकला है, कई ज़िले बाकी हैं उनका भी निकाला जाएगा। तो अंतोगत्वा जो है, जो CTET वाले छात्र हैं जो दूसरे स्टेट के हैं, 90 नंबर से कम लाकर और नौकरी करने लग गए, उन सब के लिए चेतावनी है कि आज न कल उनको बाहर किया जाएगा। और निश्चित रूप से वो बाहर हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। तो हम लोग के तरफ से, जो सरकार के तरफ, सरकार के समक्ष, BPSC के समक्ष और शिक्षा विभाग के समक्ष जो चुनौती है कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आना चाहिए था। TRE1 में मात्र 2773 लोगों का आपने रिजल्ट पब्लिकेशन किया, उस पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। आपको याद होगा कि गर्दनी बाग से, धरना स्थल से, BPSC शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग से गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास, हर जगह प्रोटेस्ट चला। हम लोग 4-4 दिन धरने पर बैठे और मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया। तो बात आप समझ लीजिए ना कि किस प्रकार से चीज़ें हुई थी। कई हमारे साथी जो है हॉस्पिटल में भर्ती हुए, आज विडम्बना है, घोर विडम्बना है कि TRE2 में भी 14,700 पदों की सूची शिक्षा विभाग से भेजी गई थी और पद तो खाली है, पोस्ट तो वैकेंट है, चाहे 1-5 हो, 9-10 हो, 11-12, यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक सभी पद जो है वो खाली रिक्त रह गए। और चीज़ें जो है अब सामने आ रही है, TRE3 का जब भंडाफोड़ हुआ लीक कांड का, तब बातें समझ में आई अभ्यर्थियों की ये किस तरह से हो रही थी। आनन फानन में बहाली निकाली गई, आनन फानन में नियुक्ति की गई। हरवरी में 3 महीने में 2 लाख लोगों की नौकरी दी गई, और उसमें से भी हम लोग जो डाटा निकाले हैं अभी तक कि 1 लाख के आसपास ही लोगों को नौकरी दी गई। 28,800 नियोजित शिक्षक हैं पहले फेज में TRE1 में, दूसरे में 11,700। ये सरकार का आंकड़ा, ये BPSC का आंकड़ा है, आप समझ लीजिए शिक्षा विभाग का डाटा है। तो बात उस तरह से नहीं होनी चाहिए कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम लोगों का पूरा अधिकार था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की याचिका भी कोर्ट में दायर है, उसकी भी सुनवाई होने वाली है। 3-3, 4-4 सुनवाई हो चुकी है कई मामलों की। उर्दू वाले शिक्षकों की सुनवाई हो चुकी है दिव्यांगता के साथ। अब जो RTI से खुलासा हुआ है कि सारा जो सीट है, 4% आरक्षण बिहार के मूल कोटि के हमारे भाई बहन को मिलना चाहिए, दिव्यांग अभ्यर्थियों को उसका लाभ उसको नहीं मिला, किसी दूसरे स्टेट के लोगों को मिला नौकरी, उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ। अब माननीय उच्च न्यायालय ने 6-8 का जो है कॉपी OMR सीट दोबारा जांच करने का आदेश दिया है, दोबारा जांच हो रहा है। गेस्ट फैकल्टी को दिया गया है कि या TRE3 में फॉर्म अप्लाई करना है, उसकी भी फॉर्म भरने की जो तिथि है उस फॉर्म फिलअप करना है। अब बता रहे हैं कि 19 जुलाई से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे। जो BPSC आर्थिक अपराध इकाई के बातों का जवाब नहीं दे रही है, वो परीक्षा कराने के लिए तैयारी कर रही है। इसलिए साथियों, बहुत ही छात्रों अभ्यर्थियों के साथ जो अवहेलना हुआ और खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसका जो कोई दोषी है तो दोषी है BPSC का पूर्व चेयरमैन, अभी तक उनको कटघरे में नहीं लाया गया है। और ACS KK पाठक अब तो चले गए, विदा हो गए शिक्षा विभाग से, लेकिन एक बात जरूर है
कि आने वाले समय में अतुल प्रसाद जी से पूछताछ जरूर होनी चाहिए और होगी, क्योंकि आपके रहते हुए शिक्षा माफियाओं के हाथ में प्रश्न पत्र चेक कैसे चले गए, बिना QR कोड लगे हुए प्रश्न पत्र उनके पास मुहैया हुए। BPSC ने 3-3 नोटिस भेजा है, BPSC को 3-3 नोटिस आर्थिक अपराधिकारी ने भेजा है। तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जो बातें हैं वो बिल्कुल अब इस तरह से नहीं है कि आप बातों को बिल्कुल घुमा के रख देंगे, छात्रवृत्ति नहीं समझेंगे तो कैसे भरोसा कर ले भाई। TRE1 TRE2 में तो बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा का खेल हुआ। आज बैठक है, बैठक जो है हमारे साथी अमित विक्रम भाई बुलाए हैं बैठक, बैठक में आप लोग जाइए, आगे जो भी रणनीति होगी आगे उस पर बातचीत होगा। बैठक मौर्या होटल के बगल में, पटना यूथ क्लब है उसमें बैठक है, आप वहाँ पर जाइए। 11 बजे से बैठक बुलाई गई है और 17 तारीख के बाद आवेदन हम तैयार किए हुए हैं, आवेदन जाकर देंगे ACA को और दूसरे BPSC को देंगे। लगभग हर जगह आवेदन, 4-5 जगह आवेदन जो है, उसके बाद प्रोटेस्ट होगी। प्रोटेस्ट जरूर होगा क्योंकि RTI से खुलासा हुआ है महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है। 35% आरक्षण बिहार के महिलाओं को मिलना चाहिए, उस आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिला। 10-17 हज़ार में से 10 हज़ार नौकरी दूसरे स्टेट के लोगों को मिल गया। बिहार सरकार का दिल कितना बड़ा है आप इसी से समझ लीजिए। तो साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं है, 1-to-1 फर्जीवाड़ा जो हुआ है वो बाहर हो रहा है, आज न कल जरूर बाहर होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि 6ठे चरण में जो बहाल हो गए 70 हज़ार लोग अभी तक जो है फर्जीवाड़ा करके नियुक्त हो गए हैं और नौकरी कर रहे हैं। और जब माननीय उच्च न्यायालय जब प्रश्न पूछती है तो जवाब आता है कि फोल्डर गायब हो गया तो फाइलें जल गई। एक बार आग भी लगा था सचिवालय में, आपको याद होगा कई फाइलें उसमें जल गई थी। तो ये तो आम बात हो गया है कि अब भरोसा के लायक तो कोई व्यवस्था बची नहीं है, जहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हो या छात्र हो या नौजवान हो या बेरोजगार हो, वो भरोसा कर ले किसी भी एजेंसी पर कि वो परीक्षा कंडक्ट ठीक ढंग से करा लेती है। इसलिए पूरी तहकीकात हो जाए तब TRE3 की परीक्षा हो और पूरे मामलों पर घमासान हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलना चाहिए। इस बात पर हम लोग काफ़ी, डोमिसाइल जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो डोमिसाइल का, डोमिसाइल TRE3 में लागू होना चाहिए था और तभी परीक्षा हो, क्योंकि बिहार के लोग नौकरी पर बिहार के लोगों का अधिकार है और आपने इतना बड़ा दिल कर दिया कि किसी दूसरे स्टेट के लोगों को नौकरी दिया जो कहीं से भी उचित नहीं था, लेकिन आपने ऐसा किया और इस राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों इसके लिए दोषी है, जिम्मेवार है। और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जीवाड़ा करके आप लोगों को बाहर कर रहे हैं, उसके जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, रिवाइज रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, महिलाओं को आरक्षण क्या मिला आप देख ही रहे हैं। तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर लोग शामिल हो गए, डोमिसाइल फर्जीवाड़ा तरीके से बनाकर सर्टिफिकेट आवासीय वो शामिल हो गए, उनको तो आप बाहर कर रहे हैं, लेकिन बाहर करने का क्या रास्ता है। इसलिए साथियों बहुत ही घोर निराशा है छात्रों अभ्यर्थियों में। बैठक जब भी बुलाई जाएगी, प्रोटेस्ट जब भी बुलाया जाएगा 17 तारीख के बाद श्योर बुलाया जाएगा, आवेदन जो है तैयार है, आवेदन 17 तारीख के बाद देंगे, उसके बाद प्रोटेस्ट होगा, लेकिन उसके पहले आज बैठक है, बैठक में आप लोग जाइए। ठीक है, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। 1-to-1 सारा डाटा कलेक्ट हो गया है, समझ लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।